गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स, स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग का एक महत्वपूर्ण चैप्टर गणित का प्रतिशत, परसेंटेज। परसेंटेज आज हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हर एक एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है प्रतिशत से, ठीक है। तो प्रतिशत हमारे गणित का एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। मतलब इसको जानना, एक व्यवहारिक रूप में भी जानना बहुत जरूरी है और अपने गणितीय गणित के रूप में भी जानना बहुत जरूरी है प्रतिशत को। प्रतिशत कोई पूछ देता है कि 40, इस मान चलो 320 रुपये रखा हो, 320 का 10% 20% 40% काट लो और पैसे वापस कर दो, तो यहाँ पर लोग समझ नहीं पाते कि कितना परसेंट काटे, कैसे करे करके, है ना। तो इसी को व्यवहारिक में लाने के लिए हमें प्रतिशत जानना है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में कैसा आता है उसको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रतिशत, इसी को प्रतिशतता भी बोलते हैं। तो पहले देख लो प्रतिशत, प्रतिशत प्रतिशत इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। परसेंटेज, ठीक है। आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आपका मुख्य चैप्टर प्रतिशत। प्रतिशत हमारे गणित के मुख्य चैप्टर में से आता है, जो कि हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखो प्रतिशत, प्रतिशत हमारे परसेंटेज, परसेंटेज मतलब परसेंटेज दो शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ पर दिख रहा है, देखो परसेंटेज, पी ई आर, पर सेंट, देखो सेंट, सेंट जो सेंट में सेंचुरी शब्द से बना है, सेंट, सेंचुरी मतलब होता है सैकड़ा, शताब्दी, 100 वर्ष। उसी प्रकार हम लोग समझ सकते हैं इस सेंट से, सेंट का मतलब होता है सैकड़ा, कितना होता है सैकड़ा, और पर मतलब होता है प्रति, क्या होता है प्रति, प्रति मतलब या प्रति एक संख्या भी समझ सकते हो, ठीक है, प्रति एक संख्या समझ सकते हो सैकड़ा। तो प्रत्येक संख्या का सैकड़ा में कितना भाग होगा, अर्थात ये सैकड़ा का मान होगा 100, इसी 100 संख्या में सभी को, सभी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो उसको हमें आधार किसका मानना है, 100 का आधार मानना है, कितने का आधार मानना है, 100 का आधार मानना है प्रत्येक संख्या का। इसी प्रत्येक संख्या में कुछ भी संख्या हो सकता है, कुछ भी संख्या, जैसे कि मान के चलो संख्या जैसे 2 दे सकता है, 3 दे सकता है, 400 दे सकता है, 200 दे सकता है, कुछ भी संख्या बोल दिया, इस दुनिया में जितना भी संख्या है वो सभी क्या है, हमारा प्रत्येक संख्या हो जाएगा। तो इसी प्रत्येक संख्या का तुलना करेंगे हम लोग किससे, 100 से, 100 से तुलना करेंगे, तो इसी 100 से तुलना करेंगे, इसी सैकड़ा से तुलना करेंगे, तो तुलना करेंगे तो इस 100 का 3% क्या होगा यह जानना है, इसी 100 का 200% जानना है। तो ये 100% है तो 100 का 200% कैसे जानेंगे, ये सोच रहे होंगे आप लोग, समझ रहे हो मेरी बात को। तो 100 अगर किसी भी संख्या को हम बोलें तो उसको हमें 100 को ही संख्या मानना है, 100 आधार मानना है। जैसे कि अगर कोई इंसान बोल दिया 500 बोल दिया, तो ये 500 बोल दिया मतलब ये ऑलरेडी 100% है। कुछ भी संख्या कोई बोलेगा मतलब समझ जाना वो उसको 100% ही मानना है। कोई बोल दिया 320 तो क्या, मतलब मैं पूछ दूंगा फिर सतीश को, पूछ दूँगा कितने पैसे रखे हो, तो बोल देगा मैं 320 रुपये रखा हूँ, तो 320 रुपये खुद में क्या है, सैकड़ा है, तो 320 का मुझे 10% दे दे बोलूँगा, ठीक है, तो वो 320 उसके में 100% है, तो उसी 320 का मुझे 20% दे दे, मतलब 20% को दे दे, तो 320 का हमें 320 रुपये पकड़ा है, तो 320 का मुझे कितना मांग रहा हूँ मैं, 20% मांग रहा हूँ, ठीक है, 20% मांग रहा हूँ, अर्थात क्या हो जाएगा, ये 20/100 हो जाएगा ना, तो ये कट जाएगा, क्या है 32 × 64, तो वो मुझे 320 रुपये का 64 रुपये मुझे दे देगा, ठीक है, कितना परसेंट, 20 रुपये मांगा हूँ मैं। तो उसी प्रकार जितना भी संख्या रहेगा उसको 100 से क्या करना है, तुलना करना है, वही सैकड़ा है उसी को 100 मानना है। तो 100 को आधार मानकर हम लोग क्या करते हैं, इस सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, हल करते हैं, ठीक है। देखो मान के चलो जो हर के रूप में रहेगा, जो ऐसा भिन्न जो हर का मान कितना रहे, 100 रहे, वही प्रतिशत है, और जिसमें हम लोग आधार कितना मानकर हल करेंगे, 100 आधार मानकर, समझ मिला इतना। अब देखो क्या होता है,
अब हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि भिन्नों से प्रतिशत कैसे बनाते हैं, प्रतिशत से भिन्न कैसे बनाते हैं। ठीक है, समझना, फिर क्वेश्चन में हम लोग भिड़ेंगे। क्या देख रहे थे? प्रतिशत के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। किसमें देख रहे थे? भिन्नों को प्रतिशत में बदलना। तो जब भिन्नों को प्रतिशत में बदलने की बारी आती है तो प्रतिशत को भिन्नों में कैसे बदलते हैं? उसमें 100 का गुणा करके। याद रहेगा 100 का गुणा करके? ठीक है, तो 100 का गुणा कर देना, 1/2, ये सभी भिन्न है, 1/3, 1/4, ऐसे करते करते अपने जो सभी को 20 तक बनाना है, इतना तक बनाना है, 20 तक बनाना आप लोग। मैं मात्र मुख्य क्वेश्चन में बताया हूँ, बाकी आप लोग 1 से लेकर पूरा 20 तक आना, 30 तक भी कर लेना, क्योंकि जब लोग हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन हल सॉल्व करेंगे तो कहीं जगह आ जाएगा 3/5 आ जाएगा, कहीं जगह 1/9 आ जाएगा, कहीं बट 1/12 आ जाएगा। ठीक है, तो उसका मान हमें सीधा वहाँ पर रखते चलेंगे, सीधा आंसर निकलेगा। तो 1/2 को हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत को बदलने के लिए हमें क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 100 का गुणा करेंगे, कर दिए तो कटा दो, 50 दूनी 100, 50 एकम 50, 50% आ गया 1/2 का, 1/3 के साथ फिर 100 का गुणा करो, कर क्या हो जाएगा, ये 33 99 कितना आ जाएगा, आ जाएगा ना। फिर 1/3 को हम लोग हल करेंगे तो 33.3 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ये 33, इसको आप लोग भाग दोगे तो आ जाएगा आप लोग का 33 आ जाएगा। ठीक है, तो 33.33% आ जाएगा, इसको भाग देंगे तो फिर देखो, फिर इसका हम लोग 100 का गुणा कर देंगे तो 25 4 100, 25 एकम 25, यहाँ पर 25% आ जाएगा, यहाँ पर 9 था, फिर 100 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 11 99 बच जाएगा 1। ठीक है, तो 1/9 को हम भाग करेंगे तो 11 आ जाएगा, 11.11% यह प्रतिशत में आ गया। उसी प्रकार 1/11 को यदि हम लोग प्रतिशत में हम लोग डिवाइड करेंगे, मतलब प्रतिशत में परिवर्तन करेंगे, तो 100 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो 100 का गुणा करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, ये 100 एकम 100/11 आ जाएगा, तो फिर यह क्या आ जाएगा, 11 निया 99 एक आ जाएगा। 1/11 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या, मतलब भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.09% से आ जाएगा ना, इसी आते आते जाएगा, देखते जाना। ठीक, तो 9.09% ये याद रहेगा, ये भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं तब कहिए। ठीक है, अब देखो तो हम लोग प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, अब देखते हैं प्रतिशत वाले संख्या को भिन्न में बदलना। देखो, तो उस समय जब हम लोग भिन्न को प्रतिशत में बदले थे तो क्या किए थे, 100 का गुणा किए थे, तो इसमें इस बार 100 का हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग करते हैं, 100 का भाग याद रखना है। जैसे कि मान के चलो इसमें 50% आए हैं, देखो तो इसी को हम लेते हैं, चलो तो इसी 50% को हमें किस में बदलना है, भिन्न में। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 का भाग कर देंगे, कर दिए 100 का भाग, तो 100 का भाग करेंगे तो 50 एकम 50 50 दूनी 100, देखो फिर से 1/2 आ गए ना, आ गए ना, प्रतिशत को भिन्न में हम कर दिए तो। ठीक, उसी प्रकार हम ले लेते हैं, चलो तो 25% का कितना आएगा, अगर इस प्रतिशत को हम भिन्न में बदलेंगे तो, है ना, कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा ना, तो ये 25, इसी प्रतिशत का मान ही 100 होता है, प्रति 100 मान है यही प्रतिशत, तो 25 को लिख दिए, प्रतिशत का मान है 100, 25 एकम 25 25 चौक 100, 1/4 आ गया। ठीक है, मान के चलो दे दिए आप लोग को, दे दिया, देखो 16 सही 2/3। ठीक है, इसको इसमें परिवर्तित, ये भिन्न में है, भिन्न में, हाँ इसको प्रतिशत तो मान ले, चलो
ठीक है, इसको मान के चलो हमें क्या करना है, भिन्न में कर सकते हो, भिन्न को प्रतिशत में भी कर सकते हो। चलो करके देखो, तो इधर नीचे का देखो, चलो करो, क्या हो जाएगा ये 16 3 48 2 50, 50/3, ठीक है। फिर कितना हो जाएगा ये 50/3। अब 100 का हम क्या करते हैं, भाग करते हैं, यहाँ पर 100 का भाग कर दो। तो चलो देखो, आप लोग को सरल तरीका बता रहा हूँ ना, 100 का भाग कर दिया, ऐसा भाग है, इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब समझ मिल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या दिखा, 50/3 दिख रहा है, तो भाग को हम लोग एक बार और हल कर देते, क्या हो जाए, गुणा हो जाता है, तो गुणा होता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/100 होगा कि नहीं, समझ मिल रहा है कि नहीं। देखो ठीक है, बता रहा हूँ, फिर 50 से कम 50 हो जाएगा, ये 100 3 300 होगा ना, जो करता है कटाओ, 50 से कम 50 और 50 × 300, तो 1/6 क्या होगा इसका, भिन्न में परिवर्तन होगा, इतना आ गया 1/6, तो 16 से ही 2/3 प्रतिशत का 1/6 प्रतिशत क्या, बेसिक गणित भी क्या बोलता है, बेसिक गणित भी बोलता है, यदि हमारे कहीं जगह P/Q / R/S रहे, क्या करोगे, समझना ना मेरी बात को, तो क्या करोगे, P/Q / R/S दिया है, इसमें हम क्या करते हैं, P/Q / R/S है इसका मतलब, समझना, R/S है, तो P/Q तो ऑलरेडी दिया है, तो भागित को हम लोग जब सॉल्व करते हैं क्या करते हैं, तो गुणा हो जाएगा ना, है ना, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है ये S/R, समझ रहे हो, ये इस तरीके से भिन्नों को प्रतिशत बदलना सीख गए, सबको समझ आया, आ गए ना। अब देखते हैं प्रतिशत को भिन्नों में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए ना हम लोग भिन्नों में 100 का भाग देते हैं, क्या कर देते हैं, भिन्नों में 100 का भाग, जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं ना तो 100 का भाग करते हैं, और लेकिन जब हम लोग भिन्नों को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 का क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, तो इसी बात को नोटिस करके रखना आप लोग, ठीक है। तो हम लोग प्रतिशत तो क्या कर रहे हैं, भिन्न में बदल रहे हैं, चलो बदल के देखो, प्रतिशत लिख लो, चलो इसी 50 को ले लो, तो 50 को लेंगे, देखो ये 50% है, तो 50% को हमें किसे बदलना है, भिन्न में, तो भिन्न में बदलना है तो क्या करते हैं, 100 का भाग, तो ये 50% ऑलरेडी दिया है, देखो प्रतिशत का मान आप लोग ले लो 100, ठीक है, भिन्न बनाना है, 50 एकम 50 50 2 100, 1/2, 1/2 क्या आ गया, भिन्न परिवर्तन हो गया। कुछ और ले लो आप लोग, मान के चलो 35% तो किसे बदलना है आप लोग को, 35% को भिन्न में हमें बदलना है, चलो भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 का भाग कर देते हैं, कर दिए तो क्या हो जाएगा बताओ, तो 5 × 7 = 35 और 5 × 20 = 100, कितना आ गया, 7/20। अगर कहीं जगह 7/20 दिखे, मतलब कितना प्रतिशत है, 35%, कहीं जगह 35% देखे तो भिन्न में करना रहेगा, तो 7/20 है, ठीक है। और कुछ पूछ दिया, मान के चलो कोई भिन्न में ही दे दिया रहता है, देखो अभी दिखे, मतलब देखो 16 × 2/3 यह प्रतिशत में है, 16 × 2/3 प्रतिशत है, इसमें किसको परिवर्तन करना है, भिन्न में परिवर्तन करना है, किसमें करना है जी, भिन्न में परिवर्तन करना है, तो 16 × 2/3 को भिन्न में परिवर्तन करने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे। पहले इसको हल करो, पहले हल करो, 16 × 3 = 48 मतलब 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50, 16 × 3 = 48 × 2 = 50, तो कितना हो जाएगा, 50/3। अभी यह भिन्न में परिवर्तन नहीं हुआ ये, ठीक है, ये ऑलरेडी प्रतिशत में ही है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 100 का भाग करेंगे, तो 100 का भाग करेंगे तो हम लोग उसको भिन्न में करेंगे, तो 100 का भाग एक स्टेप हल करते हैं, 1/100 हो जाता है वो, ठीक है। अगर यहाँ पर प्रतिशत का मान कितना होता है, 1/100, ये दे, ऐसे भी होता है, इसके नीचे में कूदते हैं, मतलब वन मान लेते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा,
हाँ ठीक है ना, ठीक तो है। तो 50/3 अब भाग का मान क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 1/100। ठीक है, यही समय ऐसा कर सकता था 100 × 3 करके, ठीक है। लेकिन आप लोग को समझाने के लिए ऐसा किया हो तो क्या हो जाएगा 50 × 50/100। तो आप लोग एक बात याद रखना, किसी भी प्रकार के भिन्न में अगर भिन्न में प्राप्त हो जाएगा तो हमने 100 का भाग देना रहेगा, तो 1/100 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे 1/100 का गुणा करेंगे, इसको याद कर लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखो फिर ये 50 × 50 और 100 × 300 इतना है, तो क्या हो जाएगा फिर ये 50 × 50 और 50 × 300 1/6 ये भिन्न में परिवर्तन हुआ। अब ये हो गया आप लोग का भिन्न में परिवर्तन, ठीक है। अब भिन्न में परिवर्तन हो गया आप लोग का 16 × 2/3% का भिन्न में परिवर्तन 1/6 याद रहा कि इतना। अब चलो तो एक और क्वेश्चन आप लोग बनाओ, देता हूँ ये 6, 4, 1% को बदल के दिखाओ भिन्न में कितना हो जाएगा, 6 × 24 = 25, 25/4 गुणा करेंगे 1/100 का, तो 25 × 25 फिर बराबर 100 = 400, तो 25 × 25 चार बार करेंगे तो 16 आ रहा है कि 8 आ रहा है, देख लो 16 आएगा, 16 25 × 25 है ना, 16 आ रहा है कि नहीं, देख लो ध्यान से, हाँ ठीक है। तो 1/16 क्या हो जाएगा आपका भिन्न हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 1/4 का प्रतिशत 1/16। तो अब मेरे हिसाब से आप लोग भिन्नों को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत को भिन्नों में बदलना सीख गए, क्लियर है ना, बन जाएगा। आप लोग का होमवर्क रहेगा 1 से लेकर 25 तक भिन्नों का क्या करोगे प्रतिशत में बदलोगे, और ऐसी करते करते फिर एक से मतलब पकड़ते चलना, एक से लेकर जाओगे 30 तक का सीधा आप लोग लेना प्रतिशत का भिन्नों में, ठीक समझ रहे हो ना। ये जैसे अब अगर मैं लिख दिया कहीं जगह 10%, 20%, 25%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%, ऐसी करते करते आपको क्या करना है सही प्रतिशतों को भिन्न में बदलते आना है, ठीक है याद रखिए इतना। अब देखो आप लोग को एक समझाता हूँ, ये गणित देखो याद रहेगा ना ये सब, देखो एक क्वेश्चन समझो, 40 200 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत, पहला 40 200 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन पर लिखवा रहा हूँ समझना। दूसरा क्वेश्चन समझ लो, 40 200 से कितना प्रतिशत कम है, समझना ये इसको देखो, 40 200 का कितना प्रतिशत है, 40 200 से कितना प्रतिशत कम है, फिर तीसरा 240 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक 40 200 का कितना प्रतिशत है, और यहाँ पर फिर एक और ले लो, चलो इसको तीसरा मान लो, इसको चौथा मान लो, और यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला में ले लो 40 200 का कितना प्रतिशत है, फिर ले लो 240 का कितना प्रतिशत है, ये ठीक है।
तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब अलग अलग गणित है, समझ रहे हो? देखो पहला, देखो 40 200 का कितना प्रतिशत है, 200 40 का कितना प्रतिशत है, 40 200 से कितना प्रतिशत है, 200 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है? यहाँ पर कम पूछे, यहाँ पर अधिक पूछा है, क्वेश्चन का ट्रेंड समझना। अब यहाँ से मैं सॉल्व करने स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? चलो देखो, पहला क्वेश्चन हल करूँ। पहला, अगर कहीं जगह का या से दिखे, समझना, देखो एक देखो, देख नोट करना, नोट, जिसका हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं, जिसका तुलना करते हैं वो अंश में रहता है, मतलब ऊपर में रहता है। क्या बोला मैं? जिसका तुलना करते हैं, ठीक है, या जिस संख्या का तुलना करते हैं, जिस संख्या का तुलना करते हैं वो अंश में रहता है, अंश मतलब ऊपर में, ठीक। और जिससे जिससे तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं, जिसके साथ तुलना करते हैं, जिससे तुलना करते हैं वो हर में रहता है, हर मतलब नीचे में, समझ रहे हो बात को? अब देखो यहाँ पर का, याद रखना शब्द को पकड़ना है, कहीं जगह का या से दिखे, तो का या से दिखे मतलब समझ जाना कि उससे तुलना हो रहा है। तो का और से शब्द हमेशा हर के जगह में रहेगा, नीचे में रहेगा। क्या बोला मैं? का और से कहीं जगह दिखे तो किस में रहता है? नीचे में, बता रहा हूँ अभी। देखो 40 200 का कितना प्रतिशत है, समझ रहे हो? 40 200, 40 का तुलना, 40 का तुलना किसे कर रहे हैं? 200 से, तो कहीं जगह 200 से, ठीक है, मतलब 200 का, ठीक है, 40 से तुलना 200 का, तो का दिखे मतलब समझ जाना कहाँ रहेगा, ठीक है, का से हमेशा किस में रहेगा? हर में रहेगा, हर में, नीचे में, ठीक, कहीं का और से रहे वो संख्या कहाँ रहता है? नीचे में रहेगा, हर में। जैसे कि देखो, अब पहला क्वेश्चन देखो, तो क्या बोला क्वेश्चन? जिसका तुलना करते हैं, ठीक है, तो जिसका तुलना करते हैं अर्थात किसका तुलना कर रहे हैं? 40 का तुलना कर रहे हैं, तो 40 का तुलना कर रहे हैं किसके साथ? 200 के साथ, ठीक है, 200 के साथ कर रहे हैं, यही बस समझना है। तो जिससे तुलना करते हैं, तो 40 का किससे तुलना करना है? 200 से, तो 200 का पूछे है ना, 200 का, तो 200 का मतलब समझ जाना कि का नीचे में आएगा अर्थात 200 नीचे में आएगा। देखो यहाँ पर, तो पहला मैं हल कर रहा हूँ, तो 40 से किसे तुलना कर रहा है जी? 200 से, तो 40 200 का कितना प्रतिशत है बोल रहे हैं? तो प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, भिन्न को हम लोग सबका गुणा करते हैं ना जी, सबका गुणा करते हैं, 40 से मतलब 40 200 का कितना प्रतिशत है, तो 40 200 का कितना प्रतिशत उसको जानने के लिए हम भिन्नों को प्रतिशत बदलने के लिए क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कर देंगे 100 का गुणा, चलो हल करो, ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 20 पंच 100, 5 6 20, समझ मिला ये, है ना, 20 प्रतिशत आया, आया कि नहीं आया? तो 20 प्रतिशत अर्थात 40 जो है 200 का 20 प्रतिशत है, 40 200 का कितना प्रतिशत है? 20 प्रतिशत, समझ मिला कि नहीं? क्वेश्चन मिला ना पक्का डोली? दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा बोल रहे हैं आप लोग का, दूसरा इसको देखो, चलो दूसरा, 200 200 40 का कितना प्रतिशत है, समझना बात को,
अब बताओ इधर देखो जी, मैं क्या बोला हूँ, जहाँ पर काया से दिखे कहाँ होता है, नीचे हर पर होता है। तो 240 का कितना प्रतिशत है बताओ, चलो क्या होगा, चलो बताओ। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 240 गुणित 100, समझ आई इतना। तो क्या कर देंगे, कटा दो ये जीरो, ये जीरो ख़त्म, 4 × 5 = 20, 100 × 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 500, ठीक है। तो 500, अब बताओ 240 से कितना प्रतिशत है, 500%, कहाँ पर 10 बचेगा, चलो तो करो। तो 40 ये जीरो जीरो ख़त्म, 4 × 5 = 20, 500, ठीक है 500 आ जाएगा, ये हो जाएगा ठीक। इतना समझ मिला कि नहीं, समझ मिला ना, ये हो गया। तीसरा क्या बोल रही है, देखो यहाँ पर कमी बेसी की बात हो रही है, कितना कम है कितना ज़्यादा है, ठीक है। देखो यहाँ पर तीसरा, देखो तीसरा तीसरा देखो तीसरा क्या बोला, 40 200 से कितना प्रतिशत कम है, क्या बोला जी, 40 200 से कितना प्रतिशत कम है। तो कम ज़्यादा कर रहे हैं मतलब अंतर जानना पड़ेगा हमें पहले, कहीं पर कम और बेसी की बात किया, कम और बेसी की बात किया मतलब अंतर जानना है। अंतर कैसे करते हैं, देखो तो कितना का अंतर, 40 और 200 में कितना का अंतर हो जाएगा, 200 में 40 जाते 160, कितना का अंतर है बताओ। तो अगर कहीं जगह कमी और बेसी की बात कर दिया, कम और अधिक का बात करें, सबसे पहले दोनों का तुलना करना है मतलब अंतर निकालना है। तो बताओ तो 40 200 से कितना प्रतिशत कम है पूछा है, तो हम सबसे पहले अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालेंगे कितना का अंतर आया, 160 का, तो दोनों में कितना का अंतर आया, 160। लेकिन पूछा क्या है, 40 200 से कितना प्रतिशत कम है, तो से वाला शब्द कहाँ है, 200, तो 200 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, हाँ तो नीचे आ जाएगा आपका 200, क्योंकि 200 से तुलना किया है ठीक। सबसे पहले कमी बेसी की बात किया, तो हमें अंतर निकालना है। अंतर निकालने के बाद हमें क्या करना है, जिससे का या से तुलना किए रहेगा उसको हमें हर वाली संख्या पर रख देना है, हर की जगह पर, फिर वहाँ पर क्या करते हैं, गुणा 100, ठीक है। अब कट जाएगा बताओ, तो ये दो जीरो ख़त्म, ठीक है। 2 × 8 = 16, ये आ गया 80%। अब बताओ यहाँ पर क्या समझे, तो मतलब अब 40 200 से कितना प्रतिशत कम है, 80%। तो 40 200 से 80% कम है, ठीक है, समझ मिला कि नहीं। इस प्रकार अब देखो 240 से कितना प्रतिशत अधिक है, यह पूछ रहा है, 240 से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देखो यहाँ पर भी अधिक कम के बात हो रही है, कमी बेसी की, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 200 में 40 को जोड़ेंगे, हाँ जोड़ेंगे ना, अंतर करेंगे, ठीक है। चौथा देखो, चौथा में क्या करेंगे हम लोग, 240 का अंतर करेंगे, तो अंतर कितना आ जाएगा, फिर से 160 आ जाएगा, 160 आएगा ना, तो 160 आएगा, तो क्या बोले, 40 से कितना प्रतिशत, इसमें से वाला पूछा है, तो 40 से पूछा है, तो 40 वाली से वाली से चाहे से चाहे का है, उसका हम लोग क्या करते हैं, नीचे में लिखते हैं, फिर गुणा कर देंगे 100 का। अब करो, चलो ये जीरो ख़त्म, 4 × 16, ये आ जाएगा 400। अब बताओ 240 से कितना प्रतिशत अधिक है, 400% अधिक है। इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोग का बेसिक रूप में जानना जरूरी है, ठीक है। इतना हमें बेसिक रूप से पहले प्रतिशत में जानना जरूरी है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद Type 1, Type 2, Type 3 कैसे बनता है हमारा गणित, ठीक है। तो हम लोग आज कल इतना देखते हैं, देखेंगे Type 1 कल से स्टार्ट करेंगे। ये बेसिक इतना आप लोग को पहले
जानना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो ठीक है।